हम लोग 24 घंटा वाले आदमी हैं, 24 आवर्स हम लोग जनता के बीच रहते हैं। सिद्धार्थ नगर और डुमरिया लोकसभा की जनता ने अब की बार पूरी तरह पूर्णता मन बना लिया है, अपने बेटों को वहां अपनाएंगे और जगदम्बिका पाल को सिद्धार्थ नगर लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज से वहां की जनता उनको भगा करके बस्ती तब जाके चल गई। 4 साल 10 महीना जीत करके सोने वाले लोग हैं और हम लोग 5 साल लगातार चलने वाले लोग हैं। वो 400 पार नहीं हो सकते, 4 लाख की तो बात छोड़ दीजिए। आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, कुछ प्रत्याशियों को टिकट फाइनल हो गया, कुछ प्रत्याशियों का भी टिकट फाइनल नहीं हुआ। अगर अभी आज की तारीख की बात करें तो आज अतुल प्रधान का भी टिकट कट गया है, उसको लेकर दूसरे को टिकट मिल गया है, इसी को लेकर खेल चल रहा है। और समाजवादी पार्टी एक तरफ 80 जीतने की बात करे, समाजवादी पार्टी के कद्दावर प्रत्याशी के रूप में चिंकू यादव जी आए, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। आज अतुल प्रधान जी का टिकट कट गया है तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का फैसला है। उसके पहले भी प्रत्याशी घोषित हुआ था, फिर अतुल प्रधान जी प्रत्याशी घोषित हुए, तो फिर तीसरा प्रत्याशी हमारी घोषित हुई, तो उसमें चूँकि जो क्षेत्र से इनपुट आ रहा है उस हिसाब से प्रत्याशियों का चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं, जो सबसे कद्दावर नेता माने जा रहे हैं, टिकट के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आप डुमरियागंज से माने जा रहे हैं। आपको फाइनल हो रहा है, मतलब बात चल रही है कि दो कुछ ही दिन में आपका भी टिकट फाइनल हो जाएगा, तो इस बीजेपी ने अपने तरफ से जगदम्बिका पाल को मैदान में उतार दिया, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं अभी आप यहाँ कार्यालय पर, तो कैसा आप इसको देख रहे हैं? देखिए, हम लोग 24 घंटा वाले आदमी हैं, 24 आवर्स हम लोग जनता के बीच रहते हैं। आज वो चुनाव लड़ रहे हैं और हम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट को घोषित किया, हम वहाँ बच्चा बच्चा चिंकू यादव को जानता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चार साल दस महीना जीत करके सोने वाले लोग हैं और हम लोग 5 साल लगातार चलने वाले लोग हैं, तो हमें उनमें ये फ़र्क है। इस बार वो चार लाख का पार का नारा दे रहे हैं। वो 400 पार नहीं हो सकते, 4 लाख की तो बात छोड़ दीजिए। जगदम्बिका पाल जी ने कहा क्षेत्र में उतर के 4 लाख से ज़्यादा वोट समझित दर, हम आपसे कह रहे हैं वो 400 वोट नहीं से जीत सकते, आप 4 लाख की बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ नगर और डुमरिया लोकसभा की जनता ने अब की बार पूरी तरह पूर्णता मन बना लिया है, अपने बेटों को वहाँ अपनाएंगे और जगदम्बिका पाल को सिद्धार्थ नगर लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज से वहाँ की जनता उनको भगा करके बस्ती तब जाके चलने। टिकट आपको मिल जाता तो किन मुद्दों को लेकर आप डुमरियागंज क्षेत्र में उतरने वाले हैं? 15 साल से लगातार वहाँ जगदम्बिका पाल सांसद हैं। आप चले जाइए सिद्धार्थ नगर में, देख लीजिए, आपको ये नहीं पता चलेगा कि गड्ढा जो है वो सड़क में है या सड़क में गड्ढा है। आप चले जाइए, हमारा क्षेत्र तराई इलाका है, बाढ़ आती है वो लाई और भूजा बांटते हैं, किसी का आँस पोंछने का काम वो नहीं करते हैं, केवल और केवल जनता के साथ हमेशा मजाक करने का काम करते हैं। इसलिए जनता ने पूर्णता अब की बार मन बना लिया है कि जगदम्बिका पाल को 4 लाख वोटों से हरा के भेजेगी और जिता के तो बात छोड़ दीजिए। जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे चिंकू यादव जी, उन्होंने कहा इस बार अगर हमको टिकट मिल जाता है तो हम जगदम्बिका पाल को कड़ी टक्कर देंगे और उनको अपना जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो जल्दी संकेत यादव के साथ मैं मलिक इमरान।